गुड़गांव में शनिवार को छठे वार्षिक करवीर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मॉडल और अभिनेत्री गुलपना को भी समाज के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने और सामाजिक कार्यों में योगदान देने के मकसद से गुड़गांव में कोंगो नाम की संस्था की ओर से छठा वार्षिक करमवीर अवार्ड समारोह करवाया गया। इस कार्यक्रम में न केवल देशी बल्कि विदेशी हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। मॉडल और अभिनेत्री गुलपना को भी समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अवार्ड दिया गया। इस मौके पर गुलपना का कहना था कि ऐसे सम्मान समारोह होने से और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। मैं मानती हूँ कि वॉलंटियरिंग एक ऐसा मात्र तरीका है जिसके जरिए आप मौका दे सकते हैं नॉर्मल लोगों को, जो बिना अपनी व्यवसायिक जिंदगी को डिस्टर्ब किए दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमारे वॉलंटियरिंग पोर्टल के जरिए जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम उन्हें कांटेक्ट मिलाते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और उन्हें हमेशा मैन पावर की जरूरत होती है। संस्था के संस्थापक जेरोनिनी ओलमेडा ने बताया कि समाज में बदलाव किसी भी संस्था की वजह से नहीं बल्कि आम लोगों की वजह से आता है। ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जो अपने काम के साथ साथ जनहित के लिए भी काम करते हैं। जो बदलाव आया है वो किसी इंस्टीट्यूशन की वजह से नहीं है, वो हमेशा लोगों के विचारों की वजह से, लोग जो करते हैं उनके एक्शन की वजह से आया है। और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, मतलब चाहे वो बिजनेसमैन हो, सीईओज हो, या डेवलपमेंट वर्कर्स हो, या चाहे वो एक्टर हो, जो भी है, उनका मतलब एक कॉमन थ्रेड है कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, उसके लिए हम लोगों को अवार्ड देते हैं, कर्मवीर पुरस्कार। बहरहाल तमाम अवार्ड कार्यक्रमों में करमवीर अवार्ड ही एकमात्र ऐसा अवार्ड है जो सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम आदमी को भी रोल मॉडल होने का एहसास दिलाता है। सामाजिक मुद्दों को उठाने और सामाजिक बुराइयों को हल करने वाले लोगों को सम्मानित करने का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में श्रीलंका से आए कलाकारों ने अपनी अद्भुत संस्कृति और कला की छटा बिखेरी। इस मौके पर कलाकारों ने लोक नृत्य भी पेश किए। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में इंडो श्रीलंका मैत्री सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका के संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुई इस संध्या में श्रीलंका के कलाकारों ने कठपुतली, तालू पालिया जैसे लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। मल्टी आर्ट एंड कल्चर सेंटर के उपनिदेशक ने बताया कि श्रीलंका से आई 24 कलाकारों की टीम यहां संस्कृति के आदान प्रदान करने के लिए आई है। मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में रविवार देर रात तक चले कार्यक्रम में श्रीलंका के 24 कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 18 महिला और 6 पुरुष कलाकार शामिल थे। हरियाणा न्यूज के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। प्रसिद्ध सांगी स्वर्गीय जियालाल की बरसी के मौके पर इतवार को जींद के बुआना गांव में सांग उत्सव करवाया गया। इस मौके पर जियालाल के लिखे सांग जंगी बहादुर का मंचन किया गया। उत्सव के दौरान जियालाल के पुत्र राजेंद्र सांगी को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र सांगी ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही। हरियाणा न्यूज के इस बुलेटिन के आखिर में नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रतिया और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार बंद, लोगों को भोपुओं के शोर से मिली राहत।